आप ये तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं यमुनानगर के जगाधरी से बुढ़िया गांव की तरफ जाते हुए तमाम सुनसान फैक्ट्रियों के पीछे खेतों में एक युवक का अजली हालत में शव मिला है। जी हाँ, ये तीसरी वारदात जिले के अंदर जिसमें पहले व्यक्ति को मारा जाता है और सुनसान जगह पर उसे घेर करके उसे जला दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें, मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। बता दें आपको, सुनसान फैक्ट्रियों के बीच में जो है, खेतों के बीच में जो है, एक व्यक्ति को जो है मार करके घेर दिया जाता है। उसके बाद उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए उस व्यक्ति के शव को जला दिया जाता है। पर लेकिन व्यक्ति की बॉडी इस समय इस तरीके की है ताकि व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस की तमाम टीमें यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, CIA की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और फोरेंसिक की टीमें जांच करती हुई फिलहाल कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये तीसरा मामला, जी हाँ, तीसरा मामला, व्यक्ति की पहचान छुपाने के लिए जो है पहले व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसके बाद जो है उसमें आग लगा दी जाती है। इस तरीके की वारदात लगातार तीसरी जिले में सामने आई है। फिलहाल अभी पुलिस मौके पर जांच में जुट गई है और आसपास के लोगों में सनसनी सी फैल चुकी है, क्योंकि एकदम से पता लगता है कि एक युवक का शव जो है अजली हालत के अंदर खेतों के बीच पड़ा हुआ है फैक्ट्रियों के साइड में। तो वहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और तमाम अपनी जांच में जुट जाती है। ये लाइव तस्वीरें, मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर, भीड़ जुट चुकी है और देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं मौके पर खड़े चौकीदार और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनाते हैं। अर्केश, क्या देखा, क्या था, क्या आपको लगा, यहाँ पर क्या कर रहे थे आप? अच्छा जी, मैं यहाँ पे सफेदों में पानी दे रहा लगा हुआ हूँ, यहाँ पे चौकीदार पानी देने पे। तो इधर हमारा खेत है पीछे भी सतपाल के, उसमें ट्यूबवेल चलाया, उधर से फिर मैं पीछे ट्यूबवेल है गाड़ी वाला, उधर वो ट्यूबवेल चला के मैं अपना पानी देने लगा। मेरा इधर से कोई आना जाने का मतलब नहीं, जैसे लकड़ से जाता था मैं उधर से सीधा उधर। यहाँ पर यहाँ क्या देखा? आज शाम के टाइम मैं 4 बजे चाय पीने के लिए चला वहाँ से खेत में से, तो मैंने अपना टिफिन छिला और एक पाइप था जो नक्का बोलते हैं उसको लेकर मैं हाथ वाले पर रख दूँगा, उसके बाद चाय पी के फिर अपने खेत में आ जाऊँ। मैंने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे मैं डर गया देख के, ये पुतला है या कोई इंसान है। तो मैं सामान रख के वहाँ ट्यूबवेल पर, तो मैं चाय वाले को बोला देखिए राम को वहाँ मेरे साथ चलिए जाके देखिए ये बंदा है या कोई पुतला है। तो बोला तेरा दिमाग खराब है, ये तो बंदा है, किसी ने मार के जला के घेर दिया यहाँ पे। फिर ये बराबर में सरदार जी है दुकान वाले, उन्होंने भी देखा। तो मैंने कैसे किस हालात में पड़ा हुआ था? वो पलटी हुआ पड़ा था जैसे जड़ा हुआ है जिस कपड़े में। तो मैंने अपने मुंशी जी के पास फ़ोन किया, उसी टाइम इन्होंने आपके पास फ़ोन किया पुलिस के और सरदार जी ने भी किया। हमला क्या है, जो बॉडी मिली है किस हालात में मिली है और क्या शनाख्त हो पाई है? ये बुढ़िया से, जो बुढ़िया गेट चुंगी जगाधरी से जो रोड बुढ़िया को जा रहा है गांव की तरफ, वहाँ पे फैक्ट्रियों के बीच में एक जगह है खेतों की, जहाँ पे हमें सूचना मिली थी एक डेड बॉडी पड़ी है। तो हम आए हैं तो एक वो 40 से 45 साल के व्यक्ति की डेड बॉडी है और जिसका मर्डर करने के, उसको जो देखने से लग रहा है उसके सिर पर लगी चोटों के कारण कि किसी ने मर्डर करके उनको छुपाने के लिए यहाँ पर उसको आग लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो आग जो है पूरी तरह से लग नहीं पाई। तो बॉडी को जो है, शरीर को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। तो फिलहाल हमारा प्रमाण फेसिया, हम जिसने हमें सूचना दी थी उसके बयान पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं 302 का, और पहले हमारी कोशिश रहेगी इसकी शिनाख्त कराने की और जो जो हुआ है उसके बारे में उसको फाइंड आउट करके जल्दी से जल्दी इसको ट्रेस आउट करने की। सर, बॉडी पर कोई ऐसा निशान जिससे पता लग पाए कुछ ऐसा? कुछ एक हमें निशान मिले हैं, जैसे उसका नाम लिखा हुआ बाजू पे, ऊपर हिंदी में अजय कुमार लिखा हुआ है और इंग्लिश में कोमल लिखा हुआ है। तो वो भी एक हमारे लिए एक अच्छी बात है, जिससे शायद शिनाख्त में हमें आसानी हो सकती है।